हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मुंबई सेंट्रल के इस साइड एरिया को मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ। एक्सप्लोर करने के लिए मुंबई सेंट्रल में लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन यानी दोनों प्लेटफॉर्म में कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ से जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मुंबई इस साइड एरिया जहाँ पे टैक्सी यानी शेयरिंग टैक्सी वगैरह सब आपको मिलता है, सब यहाँ पे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट आकर ले सकते हो, आप ओला और उबर करने की जरूरत नहीं है। और शेयरिंग भी मिल जाता है, शेयरिंग मिल जाता है तो यहाँ से आप जा सकते हो। यहाँ पे इस साइड वाला एरिया से यहाँ पे एंट्री है, ये मैं एंट्री करके मैं बताता हूँ। ये देख रहे हो पार्ट, ये बाहर की पार्ट है, ये यहाँ से मैं एंट्री कर ले रहा हूँ। तो ये इस साइड एरिया से ये बुकिंग ऑफिस तक जाएगा, तो मैं वहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मैं इन साइड एरिया आ रहा हूँ। इन साइड एरिया जा करके मैं आपको बात बताने के लिए आया हूँ। टिकट काउंटर यहाँ पे है और यहाँ पे स्मार्ट वाले जो बुकिंग होते हैं मशीन जो पहले लगे हुए थे, यहाँ पे देख रहे ये आपको यहाँ पे ट्रेन की जानकारी मिलती रहती है, जो बाहर यानी एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वहाँ पे, यहाँ पे आपको मिल जाती है जानकारी। यहाँ पे ये बुकिंग ऑफिस है, मैं इन साइड भी आकर के मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, ये चार काउंटर है यहाँ पे बुकिंग ऑफिस के लिए। और इधर पे मैं इन साइड एरिया में दिखा रहा हूँ, ये है वेटिंग हॉल जो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जाते हैं। यहाँ पे जो लगेज वगैरह आपका बुक होता है यहाँ पे होता है। इधर पे है वेटिंग एरिया जो मुंबई सेंट्रल का जो पार्ट है, यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन को यहाँ पे चार प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4 यानी फोर, चारों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रेन जो खुलती है, अलग एक्सप्रेस जो होती है वो खुलती है यहाँ से। मैं आपको इस साइड एरिया आज टूर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप काउंटर से टिकट लेकर के डायरेक्ट आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, एक्सप्रेस लोकल जितना जो ट्रेन पे आपको जाना है। तो मैं ये निकल के बाहर आ रहा हूँ टिकट काउंटर से और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए मैं आपको बाकी सब चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लोर करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बाहर में एक बहुत अच्छे अच्छे आर्ट भी किए हुए हैं, जो एज ए मतलब मिरर पे पूरा आर्ट दिखाया हुआ। ये जो है गैलरी टाइप का आपको बना हुआ है, जो सीधा आपको प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाती है। हाँ, तो ये मैं पार्ट दिखाना चाहूँ। ये इधर वाले पार्ट वाला जो हिस्सा है मुंबई लोकल ट्रेन के लिए है, और दूसरे वाले पार्ट जो हिस्सा है आपको मैं बस दो ही ये का फर्क ये है एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। एक्सप्रेस ट्रेन में आपको एडवांस बुकिंग यानी पहले से रिजर्वेशन करके जाना पड़ता है, या तो काउंटर में आपको करंट बुकिंग मिल जाती है तो वहां से आप लेकर के जा सकते हो। ये सेंट्रल मुंबई सेंट्रल का सब एरिया है। मैं इधर पे लोकल ट्रेन वाले मैं दिखा देता हूँ किधर से है कहाँ है, और ये देख लो लोकल ट्रेन जा रही है। तो मैं अभी यहाँ से निकल करके डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, क्योंकि आज मैं इस साइड दिखाऊंगा, दूसरे वाले ब्लॉग में मैं आपको वेस्ट साइड में दिखा दूंगा। इधर से आपको उधर बाहर भी तक भी निकल जाता है, यानी बाहर तक भी आपको भी एरिया मैं दिखा देता हूँ अगर वो जाने का मुझे रहा तो। ये यहाँ पे अब कर्णवती एक्सप्रेस जाने वाली है, यानी ये जो लगी हुई आपका ट्रेन दिख रहा है ये कर्णवती एक्सप्रेस जो जाने वाली है, यानी खुलने वाली है, ये एरिया आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको ट्रेन की आपको डिटेल्स मिलते रहती है, ये कर्णवती एक्सप्रेस यहाँ से जाने वाली है। ये इधर डायरेक्ट एरिया वो सीधा आपको आउटसाइड यानी स्टेशन के बाहर लेके चली जाती है, वो एरिया ये सीधा स्टेशन के बाहर लेके चली जाती है। तो मैं अभी लोकल प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। आप लोकल प्लेटफॉर्म से जैसे चर्चगेट की तरफ जो ट्रेन जाती है उस पर आप बैठ करके मुंबई सेंट्रल पर उतर करके आप बीच वाले ब्रिज से आ करके यहाँ पे आप डायरेक्ट आ सकते हो, बीच वाले ब्रिज लेकर के आ सकते हो। यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है देखने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये दिख रहा हूँ, ये एरिया में आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और 1 से 2 जो आगे का जाने आने का ये है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 यहाँ से जल जाती है आपको, ये मैं दिखा दे रहा हूँ ये। और 1 और 2 के लिए मैं इधर से आ जाता हूँ। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे यहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ पा सकते हो। यहाँ यार इतना देखो भाग दौड़ करते हैं कितने पैसेंजर के लिए, पैसेंजर को भाग दौड़ नहीं करना, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको एक्सीडेंट हो सकती है। मैं सजेस्ट करूँगा यार कभी वो दौड़ धूप ना करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे वगैरह भी होते हैं जो आपको नुकसान मिल सकती है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आया हूँ, जो विरार और बोरीवली अंधेरी आगे का जो भी दादर जाने वाली ट्रेन है वो यहाँ से आपको मिल जाती है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
फिलहाल मैं आपको वन से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो वंदे भारत आपको लगा हुआ था, मैं आपके आगे वाले भी ये ब्लॉग में मैं बताया था, वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो आपको अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल ओनली मिलती है। इसमें थोड़ा सा फेयर जो है वो थोड़ा महंगा है, बट ये बहुत लग्जरियस टाइप का ट्रेन है। आप लग्जरी आप सफ़र करना चाहते हैं तो वंदे भारत लेकर के सफ़र कर सकते हैं। फिलहाल मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म वन पे और यहाँ से मैं निकलूँगा। आज के लिए ब्लॉग हम यहाँ पे एंड करेंगे दोस्त। गाइस आपको ये छोटी छोटी ब्लॉग अच्छे लग रही होगी, अच्छा लग रहा हो यार तो आप दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो और अपना प्यार दिखाओ। मैं फास्टिंग में भी आपके लिए मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और जितना जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिलाते जा रहा हूँ। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, और कैसा लगा आप तो मुझे बताइए। अगर अभी तक मेरे चैनल बनाए हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा लो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। न्यू वीडियो में तब तक अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।